दोस्तों आज मैं साल 2021 में आई राइट डिजास्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी है, लाखों के तादाद में चूहे इन्फेक्टेड हो गए हैं और सभी इंसानों के ऊपर हमला करके मार रहे हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक रेलवे स्टेशन को दिखाया जाता है और यहाँ पर सुख नाम का आदमी अपने दो बेटियों के साथ आया था। लेकिन सुख अपने बड़ी बेटी को बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसकी बेटी सुख की कोई भी बात नहीं मानती थी। इसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन में आज कुछ ज्यादा ही लोग आए थे और चारों तरफ लोग एक अजीब से वायरस के बारे में बात कर रहे थे जो जानवरों के लिए बेहद खतरनाक था, खास तौर पर वो छोटे जानवरों के लिए। लेकिन सुख को वायरस वाले बातें आम लग रही थी। ये सब कुछ यहाँ पर चल ही रहा होता है तभी साइड वाले पटरी पे दूसरी ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन को देखकर सारे स्टाफ बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बताया गया था कि अगले 2 घंटे तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आएगी। तभी उन्हें अनाउंसमेंट के वजह से पता चलता है कि एक इमरजेंसी होने की वजह से ये ट्रेन यहाँ पर आई है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं जानता था कि इमरजेंसी किस चीज की है। लेकिन गार्ड ट्रेन की जाँच करने के लिए ट्रेन के पास जाते हैं। वो ट्रेन को देख कर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि ट्रेन से खून ही खून निकल रहा था और ट्रेन के सारे यात्री भी गायब थे। वही दूसरी ट्रेन में बैठे लोगों को इस ट्रेन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। गार्ड जैसे ही ट्रेन का डोर खोलता है, ट्रेन से हजारों की तादाद में चूहे बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक दूसरी ट्रेन वहाँ से चल देती है। उसी ट्रेन में कुछ गुंडे भी बैठे थे जो सुख और उसकी बेटी से बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उनकी मदद करता है। इसके बाद सुख अपने बेटी को ढूंढने जाता है क्योंकि वो इनके साथ बैठने की बजाय किसी और के साथ बैठ गई थी। सुख उसे बहुत जल्द ढूंढ लेता है जो एक सोल्जर के साथ बैठी थी और सुख अपने साथ उसे चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सुख को साफ मना कर देती है और कहती है, आप कौन है, मैं आपको नहीं जानती। वो अपने पिता से ऐसा व्यवहार कर रही थी कि जैसे उसके पिता सच में नहीं है। इसलिए गार्ड सुख को पकड़कर एक बोगी में बंद कर देते हैं, जहाँ गार्ड देखता है कि एक आदमी वहाँ पर पहले से ही बैठा हुआ था जिसे चूहे खा रहे थे। गार्ड जैसे ही उस आदमी को टच करता है वो सारे चूहे गार्ड के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। वहीं ट्रेन में बैठे सभी लोगों को ट्रेन के छत से चूहों की आवाजें आने लगती हैं। फिर एक आदमी अपनी छड़ी की मदद से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। वो अपने छड़ी से वेंट पर मारता है और उसके ऐसा करते ही वेंट टूट जाता है और उसके अंदर से हजारों के तादाद में चूहे नीचे गिरते हैं। ये चूहे कोई आम चूहे नहीं थे बल्कि ये आम चूहे से 30% ज्यादा तेज थे और बहुत खतरनाक भी थे। अब सारे चूहे यात्रियों के ऊपर हमला करने लगते हैं जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि एक आदमी को इस घटना के बारे में पहले से ही पता था जो सोल्जर का लीडर था। वो जानता था कि पिछले ट्रेन में क्या हुआ था और उसी से बचने के लिए वो इस ट्रेन में आया था, जबकि उसे पता चल चुका था कि चूहे इस ट्रेन पर भी हमला कर दिए हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए अपने सोल्जर के साथ अगले बोगी की तरफ भागने लगता है। वही सुख हथकड़ियों में बंधा हुआ था और उसे अपने बेटियों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। सुख कैसे भी करके वहाँ से आजाद होकर बाहर आ जाता है। फिर वो अपने बेटियों को बचाने के लिए उनकी तरफ तेजी से भागता है और सुख सभी को आगाह करता है कि ट्रेन के ऊपर चूहों का हमला हो गया है क्योंकि अभी तक चूहे उस बोगी में नहीं आए थे। चूहों ने अभी तक पिछले बोगी पर ही हमला किया था और इस बोगी में तो चूहे के बारे में किसी को पता ही नहीं था, इसलिए कोई भी सुख के बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था बल्कि वो उसका उल्टा मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी बहुत सारे चूहे उस बोगी पर भी हमला कर देते हैं, इससे उनकी हंसी उनके मौत में बदल जाती है। वो अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के अगले वाले हिस्से में भागने लगते हैं क्योंकि ट्रेन का अगला हिस्सा सेफ था। फिर से हमें सोल्जर के लीडर को दिखाया जाता है जो सबसे पहले चूहों से बचकर भाग रहा था। वो एक आइडिया लगाता है, अगर हमें बचना है तो बाकी के लोगों की जान की नापरवाह करते हुए हमें इस सेफ डिब्बे के बाकी के डिब्बे से अलग करना होगा जिससे हम बच सकते हैं। सोल्जर खुद को बचाने के लिए ट्रेन के डिब्बे को अलग कर देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन के छत के ऊपर से चूहों से बचते हुए अगले वाले डिब्बे में आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि जिन लोगों को चूहे ने काटा था उन्हें अजीब किस्म का फ्लैग हो गया था जो एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता था, जिससे बाकी के लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे वो लोग एक दूसरे में बहस करने लगते हैं कि इन्फेक्टेड लोग उनके पास ना आए, उनसे दूरी रहे। तभी सुख उन्हें बताता है कि
इस बीमारी का इलाज है। सुख बताता है कि मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से हूँ। कुछ स्टेशन के बाद एक स्टेशन आएगा जहाँ एक हॉस्पिटल है, वहाँ हमें इस बीमारी की दवाइयाँ मिल सकती हैं। लेकिन उसके बाद से कुछ लोग ही सहमत होते हैं और वो वही लोग थे जो इन्फेक्टेड नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ट्रेन कहीं भी रुके क्योंकि उन्हें डर था कि जहाँ पर भी ट्रेन रुकेगी शायद वहाँ पर भी चूहे का हमला हो जाएगा। लेकिन जो सभी सोल्जर का लीडर था उसे गुंडे का भाई गन के पॉइंट पर कर लेता है क्योंकि उसका भाई भी इन्फेक्टेड हो गया था और वो हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो लोग बीमार लोगों को अलग डिब्बे में कर देते हैं और उन्हें टाइम दिया जाता है, अगर तुम लोग टाइम के अंदर नहीं आए तो हम ट्रेन लेकर चले जाएंगे। ट्रेन कुछ देर में उस स्टेशन पर पहुंच जाती है। वो वहाँ पर जाने के लिए एक टीम बनाते हैं लेकिन सुख की बेटी भी उसके साथ जाती है क्योंकि उसका भाई भी इन्फेक्टेड हो गया था। जब ये लोग उस शहर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरे शहर के लोग चूहों के चपेट में आ गए थे। वहाँ पर चारों तरफ बस लाशें ही लाशें थी। ये लोग मरे हुए आदमियों को ऊपर से ही जाने लगते हैं क्योंकि वहाँ जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जब ये लोग थोड़ी आगे जाते हैं तो देखते हैं जहाँ पर धूप नहीं आ रही थी हजारों की तादाद में चूहे बैठे हुए थे, लेकिन उनमें से एक भी चूहा धूप में नहीं आ रहा था, जिसे देखकर ये समझ जाते हैं कि चूहे धूप से डर रहे हैं। फिर ये लोग हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एक आइडिया लगाते हैं। ये धूप से होकर घरों के ऊपर से गुजरने लगते हैं, लेकिन इनकी किस्मत इतनी खराब होती है कि बहुत ही जल्द काले बादल छा जाते हैं और छांव होते ही चूहे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह बचकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, मगर फिर भी इनमें से दो लोग चूहों के द्वारा मारे जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर उन्हें एक आदमी मिलता है जो गोदाम की देखभाल करता था। वो अपने फैमिली के साथ ही हॉस्पिटल में फंस चुका था और उसके बेटे को भी चूहे ने काट लिया था। सुख उसे बताता है कि इसका इलाज है, अगर तुम मुझे दवाइयों को स्टोर तक ले जाते हो तो। वो आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवाइयों के स्टोर तक इन्हें ले जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये तो चूहों का घर है और उन्होंने जरा भी आवाज की तो सारे चूहे उन पर हमला करके एक ही झटके में फिनिश कर देंगे। इधर ट्रेन में सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि जो भी लोग दवाइयाँ लेने गए हैं अब वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। उनकी बातें सुनकर एक लेडीज बहुत सैड हो जाती है, जिससे वो पीछे का दरवाजा खोल देती है। दरवाजा को खोलते ही बहुत सारे चूहे आकर उन पर हमला कर देते हैं। इधर सुख दवाइयों तक पहुँच चुका था। सुन सभी दवाइयों को जल्दी से एक बॉक्स में डाल देता है, लेकिन वहाँ से वापस आते समय सुन का पैर एक कमजोर लकड़ी पर पड़ जाता है और वो लकड़ी टूट जाती है। सुख वहीं पर लटक जाता है जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा साउंड हो जाता है, जिससे सारे चूहे सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और लाखों की तादाद में चूहे इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर इन्हें एक जीप मिलती है। वो जल्दी से जीप में बैठते हैं। सुख की बेटी ड्राइविंग करती है, लेकिन लाखों की तादाद में चूहे उनके पीछे पड़े हुए थे। ये बहुत जल्द ट्रेन के पास पहुंच जाते हैं तो ये देखते हैं कि ट्रेन के बाहर बहुत से सारे लाशें पड़ी हुई थी। अब लाशों को देखकर सुख को लगता है कि शायद उसकी बेटी भी मारी जा चुकी है, इसलिए वो बहुत सैड हो जाता है। लेकिन तभी उसी वक्त उसकी बेटी ट्रेन का डोर ओपन करती है, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। मगर बहुत ही जल्द वहाँ पर फिर से अंधेरा छा जाता है। अंधेरा होने के कारण बहुत सारे चूहे इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। वो ट्रेन को जल्दी से चालू करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जिस आदमी ने सुख और उसकी बेटी की मदद की थी वो बेचारा पीछे ही छूट जाता है। हालांकि वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी ही उन्हें मना कर देता है और कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो वहीं मारा जाता है। सुख ट्रेन में वैक्सीन सभी को लगा देता है जिससे इन्फेक्टेड लोग सही हो जाते हैं। लेकिन उनके सामने एक और मुसीबत आ जाती है। जिस ट्रैक से गुजर रहे थे उसी ट्रैक पर एक दूसरी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। फिर सारे लोग मिलकर उस डब्बे को ट्रैक से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी जो गुंडा का भाई था वो बहुत सारा बम अपने ऊपर बांधकर चूहों के पास जाता है और जैसे ही बहुत सारे चूहे उसके पास आते हैं वो खुद को ब्लास्ट कर लेता है, जिसमें काफी चूहे मारे जाते हैं। इधर ये भी ट्रैक से उस डब्बे को हटा दिए थे, लेकिन अब इनके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि उसका ट्रैक दूसरी तरफ चेंज था। सुख वहाँ जाता है, लीवर को उठाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उस लीवर को पकड़ कर रखना था। अब सुख के पास भी कोई चारा नहीं था, वो अपने बेटियों को बचाने के लिए लीवर को पकड़ कर रखता है। ट्रेन तो आगे निकल जाती है, लेकिन सुख बेचारा पीछे ही छूट जाता है।
फिर वो अपने फुल स्पीड से ट्रेन के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड काफी तेज थी जिससे सुख ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता है। उसकी बेटियां रोते हुए ट्रेन को रोकने के लिए कहती हैं, लेकिन सुख उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वो बेचारा हिम्मत हार कर वहीं पर रुक जाता है। फिर हजारों की तादाद में चूहे आकर उस पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो भी वहीं मारा जाता है। अब सुख की बेटियों के दिल में बस उसकी याद ही रह जाती है। फिर उसकी बेटी उसकी कही बातों को याद कर बहुत सैड हो जाती है कि तुम्हें बुरे लड़कों से दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।